इंडिया अपने रिच कल्चर और वास्ट कम्युनिटी के लिए वर्ल्ड फेमस है, पर ना जाने कैसे इसे वेस्टर्नाइजेशन की नज़र लग गई है कि मैक्सिमम यूथ अपने कल्चर को छोड़ वेस्टर्निटी को गले लगा रहे हैं। मैं हूं आकाश और ये है कौस्तव और हम निकले हैं अपने पहले इंडियन फेस्टिवल को कवर करने। इस फेस्टिवल के दिन गॉडेस ऑफ नॉलेज या सिंबल ऑफ पीस एंड प्योरिटी की पूजा की जाती है। इसे वसंत पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप बिहार, झारखंड या कोलकाता से हैं तो शायद समझ गए होंगे, अगर नहीं तो इस फेस्टिवल को कवर कीजिए मेरे साथ फ्रॉम इट्स बिगनिंग टू इट्स एंड ऑफ सरस्वती पूजा। सरस्वती पूजा यह त्यौहार भारत में हिंदुओं द्वारा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार बसंत ऋतु के आगमन में मनाया जाता है, इसलिए इस त्यौहार को हम बसंत पंचमी के भी नाम से जानते हैं। माँ सरस्वती को समर्पित है, जो ज्ञान की देवी है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ सरस्वती बुद्धि और ज्ञान की देवी है। स्कूल कॉलेजों में बच्चे इसे बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन बाघ यंत्रों मतलब किताब और संगीत से जुड़ी यंत्रों की पूजा की जाती है, इसलिए हमें माँ सरस्वती के हाथ में किताब और बीना ली हुई देखी जाती है। और इनके सवारी के रूप में हम हंस पंछी देखते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इस महापर्व के बारे में आकाश के साथ। लगभग अभी 10:30 बज रहे हैं और काफ़ी चहल पहल है यहाँ पर, तो अब हम जा रहे हैं अपना फर्स्ट कवर करने। बहुत सारी गलियाँ भी आएगी तो उनसे निकलने के लिए आई विल प्रेफर स्कूटी देन कार। तो आज पहला कवर हम अपना स्कूटी से करने जा रहे हैं, सो होप बेस्ट ऑफ लक। सरस्वती पूजा के 15-16 दिन पहले से ही मूर्तियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। हमने मूर्तिकारों से जाना मूर्ति बनाने का पूरा प्रोसेस और उनसे जाना कि उन्होंने ये कला कहाँ से सीखी। मेरा नाम राजकुमार है, प्रजापति मूर्ति दुकान बोकारो में सेक्टर 12 मोड़ पे है। मैं आज बताने जा रहा हूँ मूर्ति बनाने का तरीका। सबसे पहले मूर्ति का स्टार्टिंग होता है लकड़ी का। लकड़ी को फिर उसका लकड़ी का नक्शा बनाकर उसमें फिर पुआल का काम होता है। पुआल कंप्लीट हो जाने पे फिर उसमें मिट्टी का लेप लगाया जाता है। लेप क्या करता है, पुआल को मजबूती देता है। उसके बाद फिर उसमें जैसा शेप रहता है, डिज़ाइन रहता है मूर्ति का, उस शेप में मिट्टी से पुआल का लेप बनाकर उसमें लगाया जाता है। उसके बाद दूसरा मिट्टी स्टार्ट होता है भूसा का। भूसा और मिट्टी का कम्बाइंड रहता है और इससे क्या होता है, मिट्टी हल्का होकर वो अपना शेप तैयार हो जाता है जिस शेप में ढालना चाहिए। ये कंप्लीट होने के बाद फिर मुंडी का प्रोसेस होता है। मुंडी बनाते समय गंगा मिट्टी का यूज़ होता है ताकि उसमें चिकनाई आ सके। चिकनाई उसको बाद निकाल कर मुंडी को फर्मा से निकाल कर उसको ब्रश से साफ़ किया जाता है। साफ़ करने के बाद फिर मुंडी को मूर्ति में लगाया जाता है भूसा मिट्टी से। उसके बाद स्टार्ट होता है आपका चिकनी मिट्टी, जो बालू मिट्टी बोलते हैं उसको। वो क्या करता है, मूर्ति का फिनिशिंग आता है उससे, पूरा लाइट मिट्टी डिज़ाइन वगैरह बनता है। वो तीसरा मिट्टी होता है। वो फिनिशिंग हो जाने के बाद फिर उसमें घिसाई होता है सेरिस पेपर से। उसके बाद फिर मिट्टी का घोल लगाया जाता है ताकि और चिकनापन आ जाए। फाइनल शेप मिट्टी का वही होता है चिकनापन का, कि लास्ट मिट्टी का घोल चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद से पेंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसको सूखने में भी देर लगता है, कितना देर लगता है? हाँ, सूखने में करीब करीब ये अगर धूप के अनुसार होता है, धूप रहा तो 1-2 दिन में सूख जाता है मूर्ति, और अगर नॉर्मल मौसम रहा तो चाहे 1-5 दिन भी लग जाता है। और ये जो आप कलर का बात कर रहे थे, इसके बाद कलरिंग का प्रोसेस आता है, तो आप कौन सा कलर यूज़ करते हैं, नेचुरल कलर या आर्टिफिशियल कलर? नहीं, ये खल्ली आता है, ठीक है, ये चूना पत्थर का जो खल्ली बनता है वो यूज़ होता है। अगर चूना पत्थर खल्ली का व्यवस्था नहीं है तो हम लोग इसमें
डिस्टेम्पर का यूज करते हैं। डिस्टेम्पर का यूज इसमें चलता है रुखड़ापन, लेकिन लाइट अच्छा आता है, शाइन आता है। हाँ, इससे डिस्टेम्पर से शाइन आता है, लेकिन रुखड़ापन चलता है। ब्रश जो है वो धीरे प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए दोनों को कंबाइंड कर देते हैं ताकि प्रोसेस अच्छा से दोनों मिल जाए, लाइटिंग भी आ जाए मूर्ति का और काम भी जल्दी हो जाए। और फिर सजाने के लिए जैसे कि विग विग लगता है और इन पे ज्वेलरी भी सजता है वो? हाँ, वो सब आपको तो एक्स्ट्रा चीज़ हो गया, वो सब बाहर से मिल जाता है सामान ला के। फिर जैसे और रेंज क्या होता है, प्राइस का रेंज क्या होता है मूर्ति के हिसाब की, साइज़ के हिसाब से आपका रेंज क्या होता है? वो मतलब वो साइज़ के हिसाब से भी होता है, आपका डिज़ाइन जैसा शेप बनाएंगे वैसा डिज़ाइन भी बनता है। मैक्सिमम कितना तक जाता है और मिनिमम कितना तक रहता है? इसका कोई लिमिट नहीं होता। मिनिमम कितना खर्च लगता है? मिनिमम कम से कम 600-700 तक आराम से जाना चाहिए। 600। अभी मूर्तियां सब बनना चालू हो चुकी है और मेरे साथ एक वही मूर्तिकार है जो अभी हाल फिल्म में सजा रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है पिंटू कुमार। तो पिंटू सर, आप बताइए कि आप ये सब सीखे कहाँ से और कब से कर रहे हैं? ये सब सीखे मैं यहीं से सीखा हूँ, ठीक ना। और ये प्राय हम 2-3 साल से हम कर रहे हैं। बोला 2-3 साल से कर रहे हैं। आपको ये मतलब सीखे कहाँ से, मतलब आपके फादर सिखाए या आप के आपके उस्ताद सिखाते हैं? मेरा चाचा हमको सिखाए हैं। चाचा? हाँ। okay. उनका नाम है राजूपाल। और ये दुकान का भी नाम बहुत, यहाँ पर पाल जितने भी है सब यही करते हैं कि मूर्तिकारी करते हैं? मैक्सिमम जो पाल रहते हैं वो मूर्तिकारी करते हैं यहाँ पर? वो मूर्तिकारी करते हैं, उनका नाम है राजू पाल, वो मेरे चाचा हैं। और ये बेसिकली बोल रहा था कि कोलकाता में ये सब ज़्यादा होता है, मतलब जैसे डेकोरेशन वेकोरेशन जो सीखते हैं बेसिकली वहीं से ज़्यादा होता है। पर क्या यानी कोई आपका है लिंक विंक कोलकाता से या आसपास से? कोलकाता से जैसे माल हम लोग को लाते हैं, ठीक ना, कपड़ा हुआ सजावट वाला होता वो सब माल हम लोग कलकत्ता से हम लाते हैं और ला के हम लोग यहाँ पर मस्त जाते हैं हम लोग। हम सरस्वती पूजा क्यों बनाते हैं, सरस्वती पूजा से हमें क्या लाभ मिलता है? अगली सुबह सरस्वती पूजा है और मेरे मन में कुछ ऐसे ही सवाल हैं जिनके जवाब मैं सेक्टर 1 के राम मंदिर के बड़े पंडित जी से जानने आया हूँ। राम मंदिर बोकारो के बेशक भव्य और सुंदर मंदिरों में से एक है, तो आइए हम जानते हैं यहाँ के बड़े पंडित जी से कि सरस्वती पूजा का क्या महत्व है और क्यों मनाया जाता है इसे। चलिए। बोकारो इस्पात नगर श्री राम मंदिर ट्रस्ट प्रधान पुजारी पंडित शिव कुमार शास्त्री आपके सेवा में। तो हम आए हुए हैं राम मंदिर में और पंडित जी से पूछेंगे कि हम सरस्वती पूजा क्यों बनाते हैं और इसका क्या महत्व है। सरस्वती पूजा जो है इन्हें बागेश्वरी कहा जाता है, ये वाणी की अधिष्ठात्र देवी हैं और ये पर्व जो है हर साल के माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। पंचमी तिथि को ज्योतिष शास्त्र में पूर्ण तिथि माना गया है और भगवती सरस्वती की आराधना करने से पूर्ण रूपेण जो सही और निष्ठा और के साथ आराधना करता है उसे पूर्ण रूपेण भगवती विद्या प्रदान करती हैं। ये विद्या के अधिष्ठात्र देवी हैं, इसलिए इनकी पूजा विद्यार्थी को या विद्या उपार्जन करने वाले जितने समस्त लोग हैं, विद्या उपार्जन करने वाले को वो छोटा और बड़ा नहीं होता, बुढ़ापे में भी विद्या का उपार्जन किया जाता है, विद्या अध्ययन किया जाता है और सरस्वती की आराधना निरंतर की जाती है। इसलिए सरस्वती पूजा करना, सरस्वती की आराधना करना विद्या प्राप्ति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तपस्या है और करनी चाहिए। शुक्रिया पंडित जी। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये पूजा करने से पहले क्या क्या सामग्रियाँ और क्या क्या तैयारियाँ करनी पड़ती हैं?
देखिए पूजा शब्द जो है देवम भूत्वा देवम जजेत, देवता का पूजन करने से पहले अपने आप में देवत्व पैदा करना चाहिए। आजकल देखते हैं प्रायः विद्यार्थी लोग इस पूजा को करते हैं और बहुत सारे बाजा बजाते हैं, बहुत तरीके से डांस करते हैं, कुछ आतिशबाजी करते हैं, कुछ लोग नशा पान करते हैं। इससे ये हमारे धर्मशास्त्र से एकदम विरुद्ध है। पूजा पाठ निष्ठा और श्रद्धा का चीज़ है। जितने पवित्रता से, जितने निष्ठा से, जितने विश्वास के साथ आप पूजा करोगे उतना ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा, उतना ही बढ़िया आपको फायदा होगा और भगवती प्रसन्न होगी। बिना प्रसन्नता से प्रसादस्तु प्रसन्नता, बिना प्रसन्नता से आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। इसलिए पूजा पाठ हमारी भारतीय संस्कृति है करना, हमारा धर्म धार्मिक वस्तु है और धार्मिक जो है ये कृत्य है। इसलिए हमको बहुत ही श्रद्धा निष्ठा के साथ पवित्र होकर के स्नान करके देव मंदिर में जाना चाहिए, भगवती को माता के स्वरूप मानना चाहिए। जो निष्ठा आप अपने माँ में मान रहे हैं उसी निष्ठा के साथ उस भगवती की मूर्ति में मानिए कि हमारी माता है, तभी आपको वो फल प्रदान करेंगी और सम्यक रूप से आशीर्वाद देंगी। जैसे माँ बच्चे को गोद में रख करके, पेट में रख करके पालन पोषण करती है, सभी कष्ट को बर्दाश्त करती है, वैसे जो बच्चे सरस्वती देवी का आराधना करता है निष्ठा से, श्रद्धा से, भक्ति से, उसे सरस्वती माता जो है विद्या बुद्धि विवेक सब प्रदान करती हैं। इसलिए उनकी पूजा निष्ठा से करनी चाहिए। बहुत अच्छा कहा आपने। और पंडित जी, मैंने सुना है कि गणेश भगवान जी का पूजा करना ज़रूरी होता है सरस्वती माँ का पूजा करने से पहले, ऐसा क्यों? ऐसा है कि गणेश जी आदि देवता हैं, गणेश जी का पूजन, उनका नाम विघ्नेश्वर है। विघ्नेश्वर का पूजन इसलिए किया जाता है कि कोई भी कार्यक्रम करने से पहले उनको पूजा कर लेने से, वो गणों के नायक हैं, मतलब देवताओं के देवता हैं, आदि देवता हैं, उनके पूजा करने से किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं आता है। सेनापति हैं गणेश जी, इसलिए उनका पूजा सबसे पहले करते हैं और पूजा करके गणेश जी से आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। और जब उनकी आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है तो जो भी यज्ञ पूजा पाठ या धार्मिक रीत या कुछ भी काम करते हैं वो निर्विघ्नता पूर्वक समाप्त होती है, संपन्न होती है और हमें भगवान की आशीर्वाद बनी रहती है। इसलिए गणेश जी का पूजा पहले किया जाता है। और क्या आप हमें कुछ सरस्वती के मंत्र सुनाना चाहेंगे और उनके अर्थ भी? सरस्वती तो स्वतः सरस्वती है, ये स्वाध्याय की चीज़ है, इसमें मंत्र का कोई नहीं। मंत्र तो जो है बहुत बड़ा मंत्र बोलने पर विद्यार्थियों को जो संस्कृत नहीं पढ़ते उनको समझ में नहीं आएगी, इसलिए ऐंग उनका बीज मंत्र है, ऐंग बागेश्वर्यै नमः। इस मंत्र का अगर कोई विद्यार्थी नित्य प्रतिदिन उठ करके फूल अगर अगरबत्ती जला करके माँ सरस्वती का आराधना करता है, इस मंत्र का 108 बार नियमित जप करता है तो उसकी जिह्वा पर सरस्वती निवास करती हैं। इसलिए ओम ऐंग बागेश्वर्यै नमः इस मंत्र का जाप सभी विद्यार्थियों को करना चाहिए, ये शास्त्रीय प्रमाण है। अगली शो जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, 22 जनवरी 2018 का सरस्वती पूजा शुरू होने पर। सुबह सुबह सारे बच्चे अपने नए नए कपड़ों में, अपनी ही बनाई हुई पंडालों में, मूर्तिकारों से सजी हुई माँ सरस्वती की पूजा कर रहे हैं। उनके बीच होकर मेरी भी यादें ताजा होगी जब हम भी बड़े बड़े पंडाल बनाकर माँ सरस्वती की पूजा किया करें और शाम होते ही एथनिक ड्रेस कोड में घुमा करते थे। मुझे मालूम नहीं इसके बाद मैं कहाँ जाऊँ,
मुझे मालूम नहीं इसके बाद मैं क्या करूँगा। मेरे दिमाग में हजार कन्फ्यूजन्स हैं, पर डर नहीं, क्योंकि इस साल शुरुआत माँ सरस्वती के आशीर्वाद से हुई है, इसलिए मुझे खुद पर विश्वास है कि मैं अपनी मंजिल तक खुद ही पहुँच जाऊँगा।